न्यूज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। शासन ने लेखपालों की हड़ताल पर लगाया 6 माह का प्रतिबंध, आदेश नहीं मानने वाले कर्मियों पर एस्मा के तहत होगी कार्रवाई। एसटीएफ ने विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देने वाली कंपनी के 8 सदस्यों को किया गिरफ्तार, 240 पासपोर्ट, 3 लैपटॉप, 80,000 नकद और 13 मोबाइल फोन बरामद। मेडिकल कॉलेज ऑक्सीजन कांड के आरोपी पूर्व प्राचार्य डॉक्टर राजीव मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, उनकी पत्नी डॉक्टर पूर्णिमा शुक्ला अभी भी है जेल में बंद। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गोला तहसील सभागार में संपन्न हुआ जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस, 151 मामले में से 11 का मौके पर हुआ निस्तारण। सदर तहसील में आयोजित संपूर्ण तहसील समाधान दिवस में 2 मामलों का मौके पर हुआ निस्तारण, बाकी मामलों को 15 दिनों के भीतर निस्तारण के एसडीएम ने दिए निर्देश। शिक्षा के व्यवसायीकरण के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सदस्य दिखे उग्र, जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण और शल्य चिकित्सा योजना में कैंप लगाकर पात्रों को किया जाएगा संतृप्त, डीएम ने दी जानकारी। जीएसटी में व्याप्त कमी को दूर किए जाने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रेषित किया ज्ञापन, की नारेबाजी। राजस्व निरीक्षण सेवा नियमावली पारित कराने सहित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर लेखपाल संघ ने दिया धरना, मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। यूपी रोडवेज एम्प्लाइज यूनियन द्वारा वादा निभा रोडवेज बाजार सम्मेलन का हुआ आयोजन, कहा सरकार ने अगर मांगे जल्द नहीं मांगी तो प्रदेश भर में रोडवेज का करेंगे चक्का जाम। विश्व हिंदू महासंघ ने मेधावी और समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को किया सम्मानित, दी शुभकामनाएं। जिला अध्यक्ष प्रेरक संघ के नेतृत्व में निश्चितकालीन धरना 16वें दिन भी रहा जारी, 5 जुलाई को अदालत नाट्य मंच के माध्यम से होगा विरोध। और हज यात्रियों को मक्का मदीना इबादत के बारे में दी गई जानकारी, बीमारियों से बचाव के लिए किया गया टीकाकरण।